हेलो गाइस, आज हमें पढ़ना है एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक दैट इज विटामिन्स। इसमें हम पहले देखेंगे डेफिनेशन ऑफ विटामिन्स, दूसरा हम देखेंगे टाइप्स ऑफ विटामिन्स, और फिर हम इसमें देखेंगे केमिकल नेम ऑफ विटामिन्स और डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन्स। इसमें पहला है डेफिनेशन विटामिन्स की। विटामिन्स क्या होते हैं? विटामिन्स आर ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस दैट आर फाउंड इन एनिमल बॉडी इन स्मॉल क्वांटिटी फॉर नॉर्मल हेल्थ एंड ग्रोथ। विटामिन्स क्या होते हैं? ये कुछ ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं। ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस का मतलब है जिनमें कार्बन होता है, दैट आर फाउंड इन एनिमल बॉडी, जो कि एनिमल बॉडी में होते हैं इन स्मॉल क्वांटिटी में, मगर स्मॉल क्वांटिटी में, और ये हेल्प करते हैं नॉर्मल हेल्थ एंड ग्रोथ में, ये हेल्प करते हैं इनमें। अब है टाइप्स ऑफ विटामिन्स। देयर आर टू टाइप्स ऑफ विटामिन्स। विटामिन्स की दो टाइप्स है। पहला है वाटर सॉल्युबल विटामिन्स। वाटर सॉल्युबल विटामिन्स ये वो विटामिन्स है जो कि सॉल्युबल होते हैं वाटर में। इसमें ट्रिक है ब्यूटी केयर और WBC, दैट इज विटामिन बी कॉम्प्लेक्स एंड विटामिन सी, और WBC दैट इज वाटर सॉल्युबल विटामिन बी एंड विटामिन सी। दूसरा है फैट सॉल्युबल विटामिन्स। फैट सॉल्युबल विटामिन्स ये वो विटामिन्स है जो कि सॉल्युबल होते हैं फैट में। इसमें ट्रिक है कीड़ा, KEDA, के दैट इज विटामिन के, ई विटामिन ई, डी विटामिन डी एंड ए विटामिन ए। अब है केमिकल नेम्स ऑफ, केमिकल नेम ऑफ विटामिन्स। इसमें पहला है विटामिन ए। विटामिन ए का केमिकल नेम है रेटिनॉल। विटामिन बी का है थायामीन, दैट इज विटामिन B1। विटामिन सी का है एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन डी का है कैल्सिफेरॉल। विटामिन ई का है टोकोफेरॉल। फिर है विटामिन के। विटामिन के इसमें दो तरह के विटामिन्स होते हैं, विटामिन K1 एंड विटामिन K2। विटामिन K1 में क्या क्या आता है? फाइलोक्विनोन, फाइटो एनिडियोनी एंड फाइटोम एन एंडियोनी। विटामिन K2 में क्या आता है? मिनाक्विनोन एंड मिना टेट्रा नोन। तो ये था विटामिन के। अब है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में कितने विटामिन्स होते हैं? 8 बी विटामिन्स। इसमें पहला है विटामिन B1। विटामिन B1 का केमिकल नेम है थायामीन। विटामिन B2 का केमिकल नेम है राइबोफ्लेविन। विटामिन B3 का केमिकल नेम है नियासिन। विटामिन B5 का है पेंटोथिनिक एसिड। विटामिन B6 का है पाइरिडॉक्सिन। विटामिन B7 का है बायोटिन। विटामिन B9 दैट इज फोलिक एसिड। विटामिन B12 कोबाल एमाइन। अब है विटामिन डेफिशिएंसी, मतलब इनसे क्या होता है अगर इनकी डेफिशिएंसी होगी। पहला है विटामिन बी से, इससे क्या होता है? नाइट ब्लाइंडनेस और लॉस ऑफ विजन। दूसरा है विटामिन सी। विटामिन सी से क्या होता है? सिकर्वी। सिकर्वी का मतलब है ब्लीडिंग ऑफ गम्स। वाउंड्स टेक लॉन्गर टाइम टू हील। फिर है थर्ड विटामिन डी। विटामिन डी से क्या होता है? रिकेट्स। अगर इसकी डिफिशेंसी होगी तो इसे रिकेट्स होता है। रिकेट्स का मतलब है बोन्स बिकम सॉफ्ट एंड बैंड। इसमें हम दूसरा टर्म यूज़ करते हैं ऑस्टियोमलेशिया। विटामिन ई से क्या होता है? लेस फर्टिलिटी एंड मस्कल एंड नो वीकनेस। ये इम्पॉर्टेंट है, मस्कल एंड नो वीकनेस इसे आती है। फिर है विटामिन के। विटामिन के से क्या होता है?
विटामिन के से होता है डिक्रीज कोगुलेशन, मतलब जो ये विटामिन के ये हेल्प करता है इन द कोगुलेशन ऑफ ब्लड, ये हेल्प करता है फेब्रिन बनाने में, जो कि ब्लड कोगुलेटिंग प्रोटीन होता है, तो इससे डिक्रीज कोगुलेशन होता है विटामिन के से। फिर है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स डिफिशेंसी। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स डिफिशेंसी, इसमें बहुत सारे विटामिन है। इसमें पहला है विटामिन बी वन। विटामिन बी वन से क्या होता है, बेरी बेरी। बेरी बेरी का मतलब है वीक मस्कल्स एंड वेरी लिटिल एनर्जी। इसमें जो मस्कल्स होती है वो वीक होती है और एनर्जी कम होती है, उसको बोलते हैं बेरी बेरी। अब है विटामिन बी टू। विटामिन बी टू से क्या होता है, रिटार्डेड ग्रोथ एंड बैड स्किन। विटामिन बी थ्री से क्या होता है, पेलेग्रा। पेलेग्रा का मतलब है स्किन इन्फ्लेमेशन, मतलब स्किन में कुछ इन्फ्लेमेशन होती है। डिक्रीज्ड एपेटाइट, मतलब इंसान जो है वो कमज़ोर हो जाता है। वाटरी डायरिया एंड इवन इट मे लीड टू डेथ, मतलब बहुत खतरनाक होता है ये। अब है विटामिन बी फाइव से क्या होता है, पैरेस्थीसिया। पैरेस्थीसिया का मतलब है एबनॉर्मल सेंसेशन इन बॉडी, मतलब कुछ एबनॉर्मल सेंसेशन आती है बॉडी में, जैसे क्या एग्जांपल है, फीलिंग टिगलिंग इन फीट और हैंड। अब है विटामिन बी सिक्स। विटामिन बी सिक्स बी नाइन एंड बी ट्वेल्व से क्या होता है, एनीमिया। एनीमिया का मतलब है जब रेड ब्लड सेल्स जो है वो कम होती है बॉडी में। विटामिन बी सेवन से क्या होता है, डर्मेटाइटिस और एंड एंटीराइटिस। विटामिन बी नाइन, बी ट्वेल्व, बी सिक्स, इससे क्या होता है, एनीमिया। तो ये हमने कंप्लीट किया विटामिन्स। आई होप आपको समझ आया होगा जो भी मैंने बताया, और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, चाहे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो उसमें इसमें कोई ना कोई क्वेश्चन आता है।